welcome to my class in microsoft excel program there are number of text functions given to us here a list of all the text functions is given all these functions listed here are discussed in separate video lectures let us start this particular video lecture kendarahm karenge search function versus find function search और फाइंड के ऊपर सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाई हुई हैं, लेकिन यहां पर ये दोनों फंक्शंस कुछ मिलता जुलता काम करते हैं इस केस के अंदर मुझे ये लगा कि नहीं इन दोनों के अंदर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है इसलिए ये सर्च और फाइंड के ऊपर ये एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है लेट अस स्टार्ट विद सर्च वर्सेस फाइंड फंक्शन इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर दोनों फंक्शन दिए गए हैं सर्च और फाइंड मैं इन दोनों फंक्शंस के अंदर सिमिलर टेक्स्ट को लेके चलूँगा और कंपैरिजन करके बतलाऊँगा। लेकिन स्टार्ट के अंदर ही ये बता देना बहुत ज़रूरी है सर्च इज़ नॉट केस सेंसटिव वेयर एज फाइंड फंक्शन इज केस सेंसटिव दोनों का हमें यहाँ पर सिंटेक्स दिया गया है और जिस तरह से ये सिंटेक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये कॉलम्स को बना दिया है सर्च के केस के अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट फाइंड टेक्स्ट, दिस इज फाइंड टेक्स्ट देन विद इन टैक्स विद इन टैक्स एंड दिस स्टार्ट नंबर इज ऑप्शनल ये तीनों आर्गूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये सेम तीनों आर्गूमेंट्स फाइंड के केस के अंदर भी पाए जाते हैं सो so, एक बेसिक स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर पहले से ही क्रिएट कर दिया है मैं यहाँ पर टैक्स वैल्यू को एंटर करूँगा और उसके साथ इन दोनों के रिजल्ट को फाइन टैक्स केस के अंदर मेरे को जो टैक्स निकालना है मैं उसको टेकअप करूंगा विद इन द टैक्स के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक नाम लिख के दे रहा हूं दैट इज राजीव मिडा राजीव अपर केस में है और मिडा लोअर केस के अंदर है इसके अंदर से फाइंड करो ए स्टार्ट नंबर इज वन अगर हम सर्च के ये नीचे वाली लाइन देखें इट फाइंड आउट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर इन ए स्ट्रिंग मैं यहां पर इस सर्च के रिजल्ट को टेकअप कर रहा हूं टू सर्च फाइंड टैक्स के अंदर मैंने ये ए दे दिया मैं सेल रेफरेंसिंग को ही लेके चलूंगा विद इन टैक्स इसको कहां पर ढूंढना है हमने इस टेक्स के अंदर ढूंढना है दैट इज गिवन इन बी फाइव स्टार्ट नंबर ये ऑप्शनल है लेकिन मैं इस नंबर को लेकर चल रहा हूँ वन नंबर से ही स्टार्ट कर दो पेरेंथिस क्लोज आई प्रसेंट स्टूडेंट नोट करेंगे ये केस सेंसिटिव नहीं है जैसे ही सर्च फंक्शन को ए की अकर सबसे पहले मिली उसने वही पोजिशन हमें निकाल के दे दी हमने इसके अंदर जिस फंक्शन को यूज किया उसको मैं राइट साइड के ऊपर यहाँ पर दे रहा हूं अब इसी सेम चीज को मैं फाइंड के अंदर चेक करूंगा तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू चेक इट इन फाइंड फंक्शन यहां पर मैं फाइंड फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ इक्वल्स टू फाइंड फंक्शन फाइंड टेक्स्ट टैक्स गिवन इन एटीन विद इन टैक्स हमें यहां पर ढूंढना है दैट इज बी थर्टीन स्टार्ट नंबर इज वन दैट इज सी थर्टीन पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस सेंटर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये केस सेंसिटिव है ए की अक्रेंस तो सेकेंड पोजिशन पर भी थी लेकिन उसने इसको इग्नोर करके लोअर केस के अंदर जो ए दिया गया है उसके साथ इसको मैच किया सो so, हमें यहाँ पर एक डिफरेंस तो विजिबल हो गया कि सर्च के केस के, के अंदर ये सेकेंड एफ्रेंस को टेकअप कर रहा है लेकिन फाइंड के केस के, के अंदर इसको इलेवंथ पोजीशन मिली है दैट इज दिस लास्ट ए जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया मैं यहाँ पर फंक्शन के कॉलम के अंदर उसे लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन रेफर इट लेटर ऑन अब मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं सर्च के केस के अंदर आई विल राइट डाउन वन पर्टिकुलर वर्ड गुड मॉर्निंग गुड इज इन अपर केस एंड मॉर्निंग इज इन लोअर केस इसके अंदर ओ को ढूंढो और स्टार्ट नंबर है वन मैं सर्च फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं सर्च फाइन टैक्स लोअर केस के अंदर ओ को ढूंढो गुड मॉर्निंग इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढो और फर्स्ट पोजीशन से ढूंढना शुरू करो पेरेसिस क्लोज आई प्रेस एंटर यहां पर मेरे पास आंसर में सेकंड पोजीशन आ गई आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तीन बारी ओ है लेकिन जैसी फर्स्ट अकरेंस मिली इसने उन्हें हमें उस फर्स्ट अक्रेंस की पोजीशन दे दी मैं फंक्शन को कॉपी करके यहां पर लिख रहा हूं इसी चीज को मैं फाइंड फंक्शन के अंदर कॉपी कर रहा हूं यहां पर मैं फाइंड फंक्शन के अंदर इसका रिजल्ट चाहता हूं फाइंड टेक्स्ट लोअर केस के अंदर ओ को ढूंढो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के अंदर ढूंढो फर्स्ट पोजीशन से ढूंढना शुरू करो पेरेंथिस क्लोज आई प्रेसेंटर आप देख रहे हैं कि यहां पर सेवंथ पोजीशन के ऊपर ओ मिला क्योंकि फाइंड केस सेंसिटिव है तो इसने जो हमें पहले दो अपर केस में दिए हुए हैं उनको इग्नोर कर दिया एक दो तीन चार पांच छ और ये ओ की पोजीशन सेवन्थ है तो इसको अक्रंस सेवन्थ पोजीशन पे मिली हमें फाइंड के अंदर रिजल्ट सेवन दे दिया जबकि सर्च फंक्शन ने हमें ओ की अकरेंस को सेकंड पोजीशन पे दिया है इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है एक और एग्जांपल को टेकअप करते हैं इसके अंदर मैं सिमिलर टेक्स ले लेता हूँ गुड मॉर्निंग और यहां पर अब मैं सर्च फंक्शन के अंदर मैं ओ को टेकअप करता हूं लोअर केस के अंदर गुड मॉर्निंग के केस के अंदर सर्च को स्टार्ट करो फोर्थ अल्फाबेट से इक्वल्स टू सर्च फाइन टेक्स्ट लोअर केस के अंदर ओ को ढूंढो विद इन टेक्स्ट दैट इज गुड मॉर्निंग फोर्थ पोजीशन से इसको ढूंढना शुरू करो दैट इज सी सेवन पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस एंटर स्टूडेंट नोट कीजिएगा ये लोअर केस के अंदर ओ है लेकिन हमने ये बोला था कि फोर्थ पोजीशन से ढूंढना शुरू करो तो फोर्थ पोजीशन के बाद नेक्स्ट एक स्पेस है दैट इज फिफ्थ एम सिक्स और ये ओ सेवन्थ पोजीशन पे है तो हमारे पास सर्च ने रिजल्ट दे दिया सेवन हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया लास्ट के अंदर मैं फाइंड फंक्शन के अंदर सेम पैरामीटर्स को लूंगा लेकिन फाइन टेक्स के अंदर मैं वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूंगा इसके अंदर मैंने एक बारी दोबारा से लिख दिया गुड मॉर्निंग यहां पर अपर केस के अंदर ओ को दे रहा हूं और जिस तरह से स्टार्ट नंबर हमने सर्च में फोर लिया है मैं फाइंड के अंदर भी स्टार्ट नंबर फोर ले रहा हूं नाउ आई वुड लाइक टू नो द रिजल्ट इक्वल्स टू फाइंड फंक्शन फाइंड टेक्स्ट अपर केस के अंदर ओ को ढूंढो इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढो फोर्थ पोजीशन से फाइंड करो पेरथिस क्लोज आई प्रेस एंटर आई गॉट वैल्यू एरर क्योंकि फोर्थ पोजीशन के बाद अपर केस में कोई ओ है ही नहीं आपकी रेफरेंस के लिए मैंने इस फंक्शन को यहां पर दे दिया स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे से क्वेश्चन के अंदर आपको ये दोनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव वेयर एज फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव आई होप दैट दीज थिंग्स मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू थैंक यू वेरी मच